Is never out of reach. जी मैं फैसला था फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर एंड क्रिकेट कोच जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर जिसने डेब्यू में हंड्रेड किया उसके बाद इनिंग्स के बाद वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए और उसके बाद एक लंबा कैरियर फर्स्ट क्लास का थर्टीन थाउजेंड से ज़्यादा रनस किए आजकल सबकी ज़बान पर एक ट्रेंड सेटर बन चुके हैं फवाद आलम एक वो खिलाड़ी जिसके पीछे इंतहाई मेहनत एक तकदो पेशेंस सबर तहमुल मिजाजी और अपने काम में लगन वो एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं इस वक्त यंगस्टर्स ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बल्कि तमाम क्रिकेटर्स के लिए नेवर गिव अप अप्रोच उन्होंने सिखाई और ये वाद खिलाड़ी थे जो बाईसिंग में नॉन हंड्रेड्स की फाइव हंड्रेड्स और न सिर्फ हंडर्ड्स के बल्कि पाकिस्तान टीम को एक बेहतरीन सहारा दिया बैटिंग को और इन्होंने ये वो रोल प्ले किया जो किसी दौर में हम देखते थे मिस बा यूनस खान अदा करते थे कि जब पाकिस्तान टीम बहुत ट्रबल में होती थी इन चार लड़के आउट हो जा हो चुके होते थे और ये आके टीम को बैटिंग को स्टेबल करते थे और एक अच्छी टारगेट और टोटल की तरफ एक अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे तो ब्रिलियंट और उनकी परफॉर्मेंसी थी उसी तरह का एक जैसर हमारे पास एक कुछ अर्से के बाद फवाद आलम की सूरत में मिला कि अब इससे हमें यह पता चलता है कि सक्सेस सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है हाउ हाई यू हाउ हाई यू बाउंस बैक व्हेन यू हिट द बॉटम ये फवाद आलम वो हैं जो नेवर गिव अप अप्रोच के साथ वापस क्रिकेट में आए एंड द ब्रिलियंट स्टार ना सिर्फ इंस्पायरेशन हम सब के लिए यंगस्टर्स के लिए और जो उन्होंने पर्सनैलिटी शो की है जो उनके बिहेवियर्स हैं उन्होंने सब कुछ भुला कर सिर्फ कॉन्सनट्रेट किया अपनी क्रिकेट को ये वो चीज़ें हैं जो तमाम क्रिकेटर्स को चाहिए होती हैं और इसी अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है तमाम यंगस्टर्स के लिए भी रोल मॉडल और पाकिस्तान टीम का एक ब्रिलियंट स्टार जिसने अपने एक्शंस के साथ हमें वो सबक सिखाए जो कि हम किताबों में या किसी कोर्स की सूरत में हम पढ़ते हैं नेवर गिव अप अप्रोच हा हा यू बाउंस बैक वैन यू हिट द बॉटम अब हम बात करते हैं इनके खेलने के स्टाइल टेक्निक के ऊपर इस स्टांस को लेकर काफ़ी कुछ बात हुई क्योंकि ऐसा स्टांस ना हमने कभी इससे पहले देखा चंद्रपॉल की सूरत में हमें नज़र आए थे लेकिन ये वाहद स्टांस ऐसा है जो बड़ा और अनऑर्थडक्स है और अनएक्सेप्टेबल भी है लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि जब एट द टाइम ऑफ रिलीज बॉलर बॉल रिलीज करता है उस वक्त इनकी पोजिशन बिल्कुल बैलेंस होती है और वही पोजिशन होती है जो बैट्समैन को रिक्वायर्ड होती है और ये उस पोजिशन में बहुत अर्ली ऑन आए थे उसके बेनिफिट्स इनको बहुत ज्यादा है।, है जो गेंद गिरती है तो पे 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 भी बहुत अच्छा खेल जाते हैं पे. And especially जब outside the off stump पे जब गिरती है तो उधर ऑफ स्टंप्स के बाहर भी इनके कट एंड बहुत कमाल खेलते हैं और स्पेशली जो इनकी मुझे और जबरदस्त स्ट्रेंथ नजर आई है वो इनका रिस्ट वर्क है कि जिस तरह ये बैट को बैट के फेस को यूज करते हैं बॉल्स के ऊपर और लंबा स्ट्रेच करते हैं क्योंकि फिट हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हैं तो लंबा अप्रोच करके बैट को हिट करते हैं फुल ऑफ फुल फेस के साथ शॉट्स मारते हैं ग्राउंडेड शॉट्स मारते हैं पेशेंस इनके साथ है क्योंकि पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है इसी तरह का करैक्टर हमें पाकिस्तान टीम में चाहिए था कि जो आ, जो एक आ, आ, स्टेबिलिटी दे बैटिंग में भी आ, और रन्स भी करके दे और प्रेशर्स को सस्टेन करे इस चीज़ में जो हमें एक इस कॉर्नर पे इस जगह पाकिस्तान टीम को एक करैक्टर चाहिए था वो कंप्लीट पैकेज की सूरत में फवाद आलम हमें नज़र आ रहे हैं और मैं इनके लिए बहुत दुआ हूँ कि ये कंटिन्यू करेंगे और मज़दीद ये रिकॉर्ड बनाएँगे जितना ये क्रिकेट खेलें